नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय के देवता और कर्म फल दाता की उपाधि दी गई है। कहते हैं कि शनि की ढैया और साढ़े साथी में व्यक्ति जहां शोहरत की बुलंदियों को छूता है तो वहीं एक झटके में मिट्टी में भी मिल जाता है। ऐसे में व्यक्ति की कुंडली में 12 भावों में बैठे शनि कैसा फल देते हैं, बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्यायप्रिय माना गया है। ज़्यादातर लोग शनि का नाम लेने मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। हर इंसान की जन्म कुंडली में शनि अलग अलग भावों में होता है और इसी के अनुसार उसे अपने जीवन में फल प्राप्त होते हैं। जानिए कुंडली में विभिन्न भावों में शनि का फलाफल और क्या उसके प्रभाव रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर शनि ग्रह कुंडली में प्रथम भाव में मजबूत स्थिति में है तो जातक को हठी बनाते हैं। ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। अगर शनि अशुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति परेशानियों का सामना करते हैं। अगर कुंडली में दूसरे भाव में शनि है तो ऐसे जातक जो हैं, ऐसे इंसान व्यापार में धन लाभ हासिल करते हैं और स्वभाव से दयालु और न्यायप्रिय होते हैं। कुंडली के तीसरे घर में शनि होने पर जातक आलसी स्वभाव का होता है और मन में भी हमेशा तनाव अशांति की स्थिति बनी रहती है। कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि अगर है तो वो उन्हें कष्टदायी वहाँ पे माना गया है। इस भाव में शनि ग्रह के होने से सुखों की समाप्ति होती है, कमी होती है। चतुर्थ भावस्थ का शनि मात्रहीन और भवनहीन बनाता है और इंसान के वैवाहिक जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं। पंचम भाव में वक्री शनि स्थित होने पर ऐसे जातक प्रेम करने के बावजूद धोखा देते हैं और बुद्धि भ्रमित होने के साथ साथ मन में फालतू के विचार भी बने रहते हैं। छठे भाव में शनि अगर स्थित है तो ऐसे जातक सुंदर, आकर्षक और शत्रुओं को जीतने वाले होते हैं, लेकिन इस भाव में शनि कमजोर हो तो कर्जा संबंधित परेशानियाँ आती हैं। कुंडली में सातवें भाव में स्थित शनि शुभ परिणाम देने वाले माने गए हैं। ऐसे जातक को शनि संबंधित व्यवसाय निश्चित रूप से करने चाहिए। कुंडली के आठवें भाव में स्थित शनि दीर्घायु प्रदान कराता है। अगर कुंडली में बुध, राहु और केतु नीच के हों तो शनि से अशुभ परिणाम मिलते हैं। कुंडली के नौवें भाव में शनि होने पर जातक सुखी जीवन व्यतीत करता है। इस भाव में शनि आने वाली पीढ़ियों को शनि के दुष्प्रभाव से बचाता है। कुंडली के दसवें भाव में शनि शुभ व श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। इस भाव का शनि इंसान को उच्च पद प्रदान कराता है। जन्मपत्री में अगर आठवें भाव का शनि देरी से भाग्य उदय करवाता है, ऐसा इंसान दीर्घायु, धनवान और कल्पनाशील होता है। कुंडली के बारहवें भाव में स्थित शनि अच्छा परिणाम देने वाला होता है। ऐसे जातक धन खूब कमाता है लेकिन खर्च भी बहुत जल्दी ही करता है। इस तरह अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जानकर भविष्य में मिलने वाले परिणाम को जाना जा सकता है। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आप इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है। कोणस्थ पिंगलो बभ्रुह कृष्ण रौद्रंतको यम सौरी शनिश्चरो मंद पिप्लादेन संस्तुत एतानी दशनामानी प्राप्त रुत्था यह पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। हमारे पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी, अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बद्रिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बद्रिकाश्रम है, उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए, त्रेता युग आया
तो फिर भगवान का रामा अवतार हुआ, छोटे अन्य अंशा अवतार, कला अवतार, युगा अवतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए उनमें रामा अवतार सबसे बड़ा था। रामा अवतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया तब आया द्वापर, तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्त भगवान स्वयं, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए, पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं एक श्लोक श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतृशप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्यय वर्गवग्नि सुब्दिम्बवंद दशवक्रमहंसलंकं सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना कृत्यों के कर दी, 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम्बवंत भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया, उनकी अलग्न निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है, ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर तो भूमिर भरावतरण आया यदोस्व जन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि, देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया, ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, 4था युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बादिर विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्गन, जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा। तो महाराज ऐसा करो, आपको कैसे बिलीव करेंगे लोग, कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान थे भी या ये अवतार सही थे या गलत थे। उनकी बात को सुन करके भगवान यही सोचने लगे, ए देवताओं समय आएगा मेरा भूमि पर अवतार होगा और वहाँ आप मेरे को देखोगे। तो सतयुग में जो पहला अवतार हुआ नर नारायण अवतार, परंपराओं गत में वो 4था अवतार है, वही नर नारायण अवतार यहाँ आया तब के लिए। तो वो नर नारायण अवतार इस ढंग से था कि जितने भी अवतार आज तक हुए सब चले गए, लेकिन नर नारायण अवतार भगवान का जो हुआ वो आज भी है। योद्यापि चाष्ट मुनि वर्ज्य निषेवितांग्री, श्रीमद्भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में 10वें श्लोक में ये वर्णन आया, वे आज भी यहाँ पे निर्द्वंद होकर तप कर रहे हैं। लेकिन कैसे उन्होंने तप किया ये मैं आपको समझाना चाहता था।